लाहौर की फजाएं फिर जहर आलूद। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज भी पहला नंबर। फजा में छाई स्मोक की वजह से आलमी रैंकिंग में लाहौर बार बार टॉप पोजीशन पर। बागों के शहर में सांस लेना मुहाल, सेहत पर इंतहाई खतरनाक असरात। हर दूसरा शहरी नज़ला, खांसी, गले की खराबी और आंखों में जलन से परेशान। लाहौर में भी कोटलक पर जोहर टाउन गुलबर्ग की फजाओं में आलूदगी की शरह सबसे ज्यादा। तिब्बी माहरीन ने फजाई आलूदगी से महफूज रहने के लिए मास्क और ऐनक के इस्तेमाल की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीन के दो रोज़ा दौरे पर रवाना। वफाकी वज़ीर इत्तला'आत मरियम औरंगज़ेब की तस्दीक। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सी पैक का नया दौर शुरू होने वाला है। गुज़श्ता 4 साल में सी पैक ताख़ीर का शिकार रहा। यह दौरा पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी की नई मंजिल के लिए अहम किरदार अदा करेगा, जिसमें अहम मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। रवानगी से पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट, कहा, पाकिस्तान चीन दोस्त और शराकत दार के तौर पर खड़े हैं। सीपैक का दूसरा मरहला समाजी इक्तिसादी तरक्की के नए दौर का आगाज है। सीपैक मंसूबा हमारे लोगों का मयार जिंदगी बुलंद करेगा। चीन की माशी हिकमत अमली से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। कम्युनिस्ट पार्टी के तारीखी इजलास। अमरीका ने पाकिस्तान में रिजीम चेंज के इल्जाम फिर मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर खारजा नेट प्राइस कहते हैं, पहले भी कह चुके, इन इल्जाम में कोई सदाकत नहीं। जानते हैं पाकिस्तान में इंतखाबात की तारीख नहीं दी गई। पुरमन आईनी और जमहूरी इक्तदार को बरकरार रखने की हौसला अफजाई करते हैं। प्रोपोगंडा और गलत इतलात को दो तरफा ताल्लुकात में की राह में हायल नहीं होने देंगे। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान दरेना शराकतदारी की कदर करते हैं। खुशहाल और जमहूरी पाकिस्तान अमरीका के मफाद में है। मजीद कहा, अफगानिस्तान को दहशतगर्दों की पनाहगाह नहीं बनने देंगे। सदर बाइडन वाजे कर चुके, अफगानिस्तान में खतरे से निपटने की सलाहियत बरकरार रखी जाए। गाली, बंदूकें, खून, ब्लडशेड की बात करते हैं। इलेक्शन अपने वक्त पर होगा, जिसका आइन तायुन करता है, और उसी के मुताबिक इलेक्शन अपनी हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करके, ये इंशाल्लाह हमारा वादा है आवाम से। कल किसान पैकेज प्राइम मिनिस्टर का एक तारीखी किसान पैकेज था, और उस और तुम्हें तकलीफ इस बात की है, जब किसान पैकेज का अनाउंसमेंट हुई तुमने मार्शल लॉ की अनाउंसमेंट की। ये तुम्हारा दिमाग और तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन और तुम्हारी नीयत और तुम्हारा असल मकसद जो है उसका सबूत है। धौंस, धांधली और धमकी से इलेक्शन की तारीख नहीं मिलेगी। इलेक्शन अपने वक्त पर ही होगा, हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। वज़ीर इत्तला'आत मरियम औरंगज़ेब ने इमरान खान को निशाने पर ले लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, गुज़श्ता रात खतरनाक बात की गई। इमरान खान ने एतराफ किया, वो मार्शल लॉ लगवाना चाहते हैं। खुलेआम अफाजे पाकिस्तान को हुकूमत खत्म करने और सियासत में मुदाखलत की दावत दी जा रही है। इमरान खान जैसा आइन शिकन पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं आया। बंदूक से इंकलाब लाने का मास्टरमाइंड कैसे धमकियां दे रहा है। जिल्लत और रुसवाई, फॉरेन फंडेड फितने और तोशाखाना चोर के मुकद्दर में लिखी जा चुकी। इस्लामाबाद पहुंचने से पहले ही लॉन्ग मार्च का बोरिया बिस्तर गोल हो जाएगा। यही वजह, यही खौफ है। 200 बंदे निकल रहे होते ना, तो इस्लामाबाद के अंदर आपने कंटेनर्स का कब्रिस्तान ना बनाया होता, वो ऐसे ना लग रहा होता कि इत्तेफाक फाउंड्री की कोई वर्कशॉप है जहां लोहा लोहा नजर आ रहा है। पीटीआई रहनुमा असद उमर की गो स्लो पॉलिसी की तस्दीक। बोले, इमरान खान इस्लामाबाद पहुंचने का मुतबादिल प्लान बना रहे हैं। इस्लामाबाद में आवाम का समंदर आने वाला है। 2000 बंदे निकले होते तो आप इस्लामाबाद को कंटेनर्स का कब्रिस्तान ना बनाते। लॉन्ग मार्च का टारगेट शफाफ इलेक्शन है। पाकिस्तान में किसकी हुकूमत होगी ये इख्तियार आवाम के पास है। कोई लंदन या अमरीका में बैठकर पाकिस्तान के फैसले नहीं कर सकता। आवाम किसी और फैसले को मानने को तैयार नहीं। मुल्क को बहरान से निकालने का वाहिद तरीका इलेक्शन है। जितनी मर्जी धमकियाँ दे लें, आप जहनों की तब्दीली नहीं रोक सकते। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च के भरपूर इस्तकबाल की तस्वीर शेयर कर दी। कहते हैं, एमराबाद में अवामी इस्तकबाल और शुरका का जोशो खरोश भरपूर था। जीटी रोड पर आवाम के जोशो जज्बे के बायस हम 12 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल पा रहे हैं। जो लोग हमारे मुंतजर हैं, इसी के मुताबिक मनसूबा बंदी करें। आज गुजरांवाला शहर से गुजरेंगे। दूसरी जानब हकीकी आज़ादी मार्च चंदकला में मौजूद। गुजरांवाला में दाखिल होने के बाद शुरका का सुपरेशिया चौक
शेरावाला और गोंदलावाला अड्डे से गुजर होगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान मुख्तलिफ मकामात पर खिताब भी करेंगे। लॉन्ग मार्च के रूट पर मौजूद 13 बड़े तालीमी इदारे आज एक रोज के लिए बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी, पीटीआई ने नई हिकमत अमली बना ली। लॉन्ग मार्च 4 नवंबर की बजाय 9 या 10 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचेगा। डॉलर मुसलसल दूसरे दिन पस्ती का शिकार, रुपया तगड़ा होने लगा। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 32 पैसे कमी से 220.56 रुपये का हो गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेजी का रुझान, 100 इंडेक्स 41,500 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। जिना अस्पताल लाहौर और निश्तर अस्पताल मुल्तान में साइबर नाइफ टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाने का फैसला वजीर आला परवेज इलाही ने मंजूरी दे दी। वजीर आला परवेज इलाही ने कहा, साइबर नाइफ टेक्नोलॉजी के जरिए कैंसर और दीगर पेचीदा अमराज का मुफ्त इलाज किया जाएगा। वजीर आला पंजाब ने हेल्थ कार्ड प्रोग्राम में सर्जरी की जदीद टेक्नोलॉजी साइबर नाइफ शामिल करने की मंजूरी दे दी। इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के लिए भी जल्द कानून साजी की जाएगी। रेलवे इंतजामिया का जाफर एक्सप्रेस ट्रेन भी बहाल करने का फैसला। पिशावर से बारास्ता लाहौर कोयटा जाने वाली ट्रेन 20 नवंबर से चलेगी। जाफर एक्सप्रेस को कोयटा की बजाय मच रेलवे स्टेशन तक चलाया जाएगा। मच से मुसाफिरों को बसों के जरिए कोयटा स्टेशन तक ले जाया और लाया जाएगा। दो हजार का जत्था है या 20,000 का, इमरान खान का कोई मुतालबा सुनना है ना ही फेस सेविंग देनी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ को लंदन से अहकाम मिल गए। नवाज शरीफ कहते हैं, 10 लाख का दावा करने वाला अभी तक 2,000 बंदे इकट्ठे नहीं कर सका। अवाम की लातालुकी की वजह वो शरंगेज झूठ हैं जिनका कच्चा चट्ठा कौम के सामने आ चुका। एक के बाद एक झूठ बेदर्दी से बोला गया। DGISPR को मजबूरन अपनी खामोशी तोड़ना पड़ी, जिसका जवाब ये इतने दिन गुजरने के बाद भी ना दे सका।